मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में 21 जनवरी की रात एक घर में हुई डकैती की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें पुलिस ने डकैती में शामिल दो लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके पास से जेवर और 6000 कैश, घटना में इस्तेमाल तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। आपको बता दें कि इस वारदात को रामपुर के गैंग ने कुछ स्थानीय अपराधियों की मदद से अंजाम दिया था। दरअसल घटना कटघर थाना क्षेत्र में हृदयपुर गाँव की है, जहाँ के रहने वाले रिजवान और गुलफाम गांव के ही फॉर्म में काम करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। 21 जनवरी की रात वे परिवार के साथ घर में सोए हुए थे। इस दौरान देर रात असलाह से लैस नकाबपोश डकैत घर में घुस गए, जिन्होंने डकैती की घटना को अंजाम दिया, जिसके भनक लगने से जगे रिजवान के परिजनों ने जब इसका विरोध किया तो डकैतों ने उन्हें गोली मार दी। इसके साथ ही जेवर गहनों समेत अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित परिवार के तहरीर पर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही अन्य फरार अपराधियों पर पुलिस की ओर से इनाम घोषित किया गया है। देखिए, थाना कटघर में 20 और 21 जनवरी की रात्रि में एक घटना हुई थी हृदयपुर गांव में, जो कि ये गांव बिल्कुल रामगंगा नदी के बिल्कुल किनारे पर पड़ता है और रात्रि में करीब 12 से 1 के बीच में ये घटना हुई थी, जिसमें दो घरों में घुस के और कुछ अज्ञात बदमाशों ने बंधक बना के और लोगों से वहाँ पे उनके पैसे और ज्वेलरी इसमें ले जाया गया था। और इसी दौरान जो घर के लोग थे उनमें से दो लोगों ने इनको पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें से एक बदमाश के द्वारा इनमें फायरिंग की गई और उसमें से एक जो व्यक्ति है वो घायल भी हुआ और दूसरे को भी हल्की चोट आई। जो अभी एक जो घायल था उनके अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है और जो दूसरे जो उनके भाई हैं वो अभी स्वस्थ हैं। इसी पे हमारी थाना को जो कटघर की टीम है और क्षेत्राधिकारी कटघर SP सिटी साहब और हमारी SOG टीम है, इसमें लगातार जो काम कर रही थी, तो इसमें आज दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक पप्पू जाटव उर्फ विनोद पुत्र मुकेश निवासी जाटवा वाला मोहल्ला, ये थाना सैपनी के रहने वाले हैं जनपद रामपुर के, और दूसरे हैं आसिम अंसारी, ये मुगलपुरा थाना के रहने वाले हैं जामा मस्जिद के पास से। ये दो लोगों को आज गिरफ्तार किया गया और जब इनसे पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा ये बताया गया कि इनके साथ में उस दिन घटना में तीन लोग और शामिल थे, गुलाम नबी पुत्र मुसब्बर, ये ललवारा थाना सैपनी के रहने वाले जनपद रामपुर के, एक जाबुल पुत्र एजाज है, ये थाना पुंदरकी के रहने वाले हैं, और एक नावेद पुत्र बारिश, ये पुराना ललवारा ललवाला ये थाना सैपनी के ही रहने वाले हैं। इसमें तीन लोग हैं वो रामपुर जनपद के रहने वाले, एक मुगलपुरा के हैं और एक थाना कुंदरकी देहात क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इन लोगों ने प्लान करके ये घटना को अंजाम दिया गया था। दो लोग एक स्कूटी से आए थे और बाकी जो तीन लोग हैं मोटरसाइकिल से आए थे और नदी के पार ही इन्होंने मोटरसाइकिल और अपनी जो स्कूटी है वो खड़ी कर दी थी और उसके बाद में नदी में चूँकि पानी इस समय कम रहता है, करीब कमर के आसपास पानी रहता है, तो उसी पानी में से अंदर आए और आने के बाद में इन्होंने जो सबसे नज़दीक वाले जो घर थे दो उन पे इन्होंने ये कार्रवाई की और इसमें एक घर में से लूट करने में सफल हो गए थे। दूसरे घर में जब ये गए तो वहाँ पे जो दोनों भाई थे तो उन्होंने इनसे इनको पकड़ने का प्रयास किया, उसी में इनमें आपस में झड़प हुई, जिसमें इनके द्वारा गोली चला दी गई थी, जिसका तमंचा उसी दिन वहीं से बरामद कर लिया गया था। और आज इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और जो तीन लोग हैं इनको इन पर इनाम घोषित किया गया है, इनका नाम प्रकाश में लाया गया है और इनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी।